बेटे स्कूटी चलाते हो तो आपको सर में दर्द नहीं हुआ, हेलमेट में दर्द हो जाता है, वाई टी में लाइसेंस भी नहीं होगा आपके पास। ज़्यादा देर डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा देर नहीं, नहीं डॉक्टर ने तो कहा है लाइसेंस आपके पास। फिर बेटा हेलमेट में वाई टी में रस, इतनी भीड़ में आप आए हो, अगर गिर गए तो हेलमेट आपकी सेफ्टी करेगा या नहीं करेगा? आप अपनी सेफ्टी नहीं चाहते? दोबारा हेलमेट उठोगे या अभी चलान करूँ? पक्की बात है, देख लो, प्रॉमिस है, हेलमेट उठोगे? बच्ची हो आप हमारी, इस करके मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बगैर हेलमेट के आओगे तो चलान कर दूँ। देख सकते हैं फिलहाल वार्निंग देकर यहाँ से जो महिलाएं गुजर रही हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। अपील आप सभी से इस वीडियो को शेयर करें, किस तरह से आज जागरूक किया जा रहा है, चाहे लड़कियां हो चाहे महिलाएं, उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट लगा कर निकले, कहीं ना कहीं गिरने से चोट लग सकती है, सिर पर चोट लग सकती है, और उन्हें जागरूक किया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। जी बाइक तो काफ़ी पुरानी है, नंबर ही नहीं है इस पर, टेम्परेरी नंबर है अभी तक। देखिए ये पुलिस को चकमा देने के लिए जो ना लाइसेंस ये कह रहे भाई घर पड़े है, आरसी इन्होंने 2018 में ये खरीदी थी, 2018 के बाद इन्होंने आरसी बनवाई ही नहीं, अब नहीं बनवाई तो उसका टोटली फाइन लग के ही ये गाड़ी छूटेगी, हम इसको इम्पाउंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बाइल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पर नंबर अभी भी जो है लिया नहीं गया। ये देख सकते हैं टेम्परेरी नंबर है, टेम्परेरी नंबर है, और फिलहाल इस बाइक को इम्पाउंड जो है यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल रोकी गई है जिसका नंबर टेम्परेरी है, और मोटरसाइकिल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, शायद मोटरसाइकिल बिल्कुल ख़त्म है और नंबर टेम्परेरी लगा हुआ है। जी हाँ, इस बाइक का नंबर ही नहीं लिया गया और मोटरसाइकिल को और रोक लिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए इधर, स्वीट पे गाड़ी फोन करनी है, गाड़ी फोन करने का। अब देख सकते हैं चैपिंग अभियान जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, आज देख पा रहे हैं एक मोटरसाइकिल और को रोका गया है। जी हाँ भाई, काम पे तो आए, कागज काम पे छोड़े हैं क्या? लाइसेंस दिखा दो, आरसी दिखा दो, कुछ तो दिखा दो मेरे भाई, ये मैं बाइक बंद हो जाएगी नहीं आपकी? ये कोई बहाना थोड़ी है, बैग में पड़ी है, लाइसेंस तो आपका होगा, लाइसेंस तो मालिक का नहीं मांग रहे, लाइसेंस अप्लाई कर रखे है भाई, करिए इसका चलान। भैया लाइसेंस नहीं है, कोई भी कागज नहीं है, बैग में पड़े जी, मैं तो मालिक की बाइक है जी, उसकी चलाता हूँ जी, प्लेट भी मोड़ देने जा रहा हूँ, मोड़ रखी है। देख सकते हैं एक बाइक को रोका गया है जिसके पास कोई भी कागज नहीं है, ना ही लाइसेंस है। ये गाड़ी का नंबर HR40D5990 इस बाइक का नंबर है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करना। देख सकते हैं किस तरह से ये हॉर्न भी इस पे फैंसी लगा रखे हैं आपने, करनाल के करण गेट से। देख सकते हैं किस तरह से जो बुलेट के पटाखे बजते हैं उन्हें आप देखते हैं, उन्हें रोका जाता है और उनका रोक कर चालान काटा जाता है, 10,000 रुपये का चालान जो है वो काटा जाता है। किस तरह से एक बुलेट को अभी रोका गया है और नया सलेंसर लगवाया गया है इसके ऊपर, जो कंपनी का सलेंसर जो नया आता है उसे देख सकते हैं किस तरह से अब चेंज जरूर करवा दिया। अब देख सकते हैं किस तरह से यहीं पे टुटवाया जा रहा है, जो पटाखे मारते वाली ढोलकी होती हैं उन्हें किस तरह से यहीं पर टुटवाया जा रहा है, किस तरह से बिल्कुल यहां पर, हालांकि सलेंसर भी जो ओरिजिनल है वो लगवाया गया और जो ढोलकी है उसे किस तरह से यहाँ पर नष्ट करवा दिया गया। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल से, करनाल में किस तरह से यहाँ पर
बुलेट को रोका गया था। ये बुलेट है, इसका ओरिजिनल साइलेंसर जो है वो उतरवा कर, माफ़ कीजिएगा, वो लगवा कर, और ये जो पटाखे मारने वाली बुलेट है उसका किस तरह से ढोलकी उतरवा कर उसे टुटवा दिया जाता है। देख पा रहे तस्वीरें, करनाल से दिखा रहा हूँ, करनाल में देखिए ये साइलेंसर है, इसका मॉडिफाइड था जो पटाखे बजते थे। इस बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे नहीं पता था, भाई ने बदलवा दिया होगा शायद, तो मैं अगर आप कहोगे तो ओरिजिनल ढोलकी लगवा लेता हूँ जो पटाखे नहीं मारेगी, मैं साइलेंसर तोड़ देता हूँ। तो इसकी रिक्वेस्ट पे हमने थोड़ा संज्ञान लिया है, भाई चलो अच्छे घर का बच्चा है ये, अगर पुलिस की बात मानता है, ट्रैफिक रूल फॉलो करता है, ओरिजिनल ढोलकी इसने लगवा ली है, डुप्लीकेट को फुड़वा दिया है। तो हम इसी तरह से डिस्ट्रॉय कराओगे आगे या चलान भी काटोगे? देखिए वो बाइक वाले पे निर्भर करता है, कहीं कहते हैं हम नुकसान क्यों करें। अब इतने की इसकी ओरिजिनल ढोलकी नहीं लगी जितने का साइलेंसर का चालान है, 10,000 रुपये का फाइन है। ढोलकी कितने की होगी रे मिस्त्री, कहाँ गया ये कितने की ढोलकी बेटे? 4,500 के आसपास होगी जी। 4,500? तो ये जो नकली ढोलकी होती है कितने की होती है? ये होगी मैक्सिमम 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये की ये पटाखे मारते हैं? ये पटाखे मारते हैं। अब देख सर, ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपये की ढोलकी ओरिजिनल होती है। देखिए अब हमें भी फायदा हुआ इस चीज़ का कि आगे ये भविष्य में पटाखे ना मारेंगे, और लगभग 5,000 रुपये का फायदा इस लड़के को भी हो गया, बाइक वाले को। एक तो ये ट्रैफिक रूल फॉलो करने की यश करी है इसने, दूसरा हमें भी कोई शौक नहीं है चालान करने का। तो भविष्य में भी हमें आप लोगों के माध्यम से लोगों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई अपने ओरिजिनल साइलेंसर लगाएं और सुरक्षित अपने वाहन को अपने घर ले जाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से ओरिजिनल साइलेंसर जो है वो लगवा दिया गया, और जो पटाखे मारते थे वो देख सकते किस तरह से यहाँ पर नष्ट करवा दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और चाबी जो दे दी गई है। बताना चाहेंगे कि ओरिजिनल साइलेंसर और पटाखे नहीं रखे और ऐसे डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, अगली बार कोई पकड़ा जाएगा? देखो हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि भाई हम आप लोगों के माध्यम से घर घर तक और खासकर बुलेट वालों तक यही मैसेज भेजें कि भाई आप ओरिजिनल साइलेंसर लगवाएं, हमें इसके अंदर ना फंसाएं कि भाई हमें ही उतरवाने पड़े। जब बाइक आपने इतनी महंगी खरीदी है तो आप ओरिजिनल साइलेंसर भी उसका लगवाएं। बाकी ये एक अच्छे घर के बच्चे का परिचय है, वह जिसने खुद ये निर्णय लिया है कि भैया जी मैं गलती मानता हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल ढोलकी लगवा लेता हूँ और डुप्लीकेट ढोलकी उतार के यहीं फोड़ देता हूँ। ये इसने बहुत अच्छा किया है। लोगों के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वह ओरिजिनल ढोलकी लगा कर ही चलाएँ, इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, औरतों और बुजुर्गों के खासकर जो हार्ट पेशेंट हैं मेरे जैसे, उनके दिल में धड़कन पहुँचती है। शरारती बच्चे जो है ना भीड़ में लड़कियों के स्कूल कॉलेजों के आगे पटाखे बजाते हैं, अब कई बार जब हम चेक करते हैं कहते हैं मैंने तो नहीं बजाए, हमारी एक ही बात है बुलेट ने बजाए, मैंने तो ये नहीं कहा आपने बजाए, हमें देख के थोड़ी बजाएगा, वो तो शैतानी जो बच्चे होते हैं ना वो लगवा लेते हैं। अब कई बार मालिक को नहीं पता होता कि मेरी बुलेट में पटाखे हैं, उसका कारण ये है कि घर में छोटे बच्चे पेरेंट्स से छुप के वो ढोलकी चेंज करवा देते हैं, साइलेंसर मॉडिफाई करा देते हैं, तब वो पटाखे मारते हैं। आप देख सकते हैं जागरूक किया जा रहा है, जागरूक करने का नया तरीका था, किस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल नष्ट कर दी गई ढोलकी और ओरिजिनल साइलेंसर जो है लगवा दिया गया। अब चालक जो है बाइक यहां से ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है साइलेंसर के अंदर। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। देखते हैं एक बाइक को और रोका गया जिस पर ट्रिपलिंग कर रखी है, देख सकते हैं ट्रिपलिंग है इस बाइक पर, इसे भी रोक लिया गया है। देख पा रहे तस्वीरों के अंदर ये ट्रिपलिंग जो है इस बाइक पर हो रखी थी, इस बाइक को रोका गया है, और अब क्या कुछ इसका चलान होगा वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं हालांकि बाइक रोकी गई है, फ़ोन साथ के साथ निकाल लिया गया है। जी हाँ, फ़ोन साथ के साथ निकाल लिया जाता है, जैसे ही बाइक रोकी जाती है तो फ़ोन पहले निकाल कर बात कराने की बात जो है वो कह दी जाती है कि हमारी बात कर लीजिए, चलान मत काटिए। आप देखेंगे इनकी बात होती है नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। सकते हैं जो ट्रिपलिंग बाइक है उसे रोका गया है, और डॉक्यूमेंट्स जो है इन्हें मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट अब देखे जाएंगे। या कैश करा रहे हैं?
कितने टाइम को लेकर आप लेट क्यों कर रहे हैं?